भगवान का स्मरण करो। भगवान शिव का एक नाम है आदिश, जिसको आदेश भी कहा गया है। पर आदिश महादेव का स्मरण कर हाथ में रखकर उसको शिवालय में तिलक की भूमि पर खड़े हो, जगह में खड़े हो, दुकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ कर रहे हो, मकान में खड़े हो, जिसको प्रारंभ करो, और हथेली में रखकर उसको शिवालय में ले जाकर समर्पित कर दो। जिस दुकान को तुमने चालू कराया है वो दुकान जिंदगी में बंद नहीं हो सकती, वो आगे बढ़ेगी। आदिश महादेव का संबोधन ही वो है कि प्रारंभ कर दिया, फिर उसका अंत नहीं, प्रारंभ किए थे उसको। अभी एक कथा रेवाड़ी में है हरियाणा में, 19 तारीख से चालू हुई, 19 मार्च से 23 मार्च तक वो कथा चलेगी। भगवान की आरती में बेलपत्र थाली में किस स्थान पर होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती में दुर्वा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, शंकर भगवान की आरती करते हैं तो उसमें शंकर का जल उतारा जाता है कि नहीं उतारा जाता, शंकर भगवान की आरती करते समय गरुड़ घंटी को जब बजाया जाता है तो कितनी बार बजाया जाता है, कितने स्थान पर बजाया जाता है, तो तुम्हें बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं, थोड़ी सी आरती करने से ही फल की प्राप्ति होगी। रेवाड़ी में जो कथा है उसका नाम ही हमने आदिश महापुराणी, कि लोग समझे कि शंकर की आरती कैसे होती है, शिव की आराधना कैसे होती है, प्रदोष के दिन कैसे आरती करना चाहिए, शिवरात्रि के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार के दिन कैसे आरती करना चाहिए, सोमवार को अष्टमी पड़े तो कैसी आरती करना चाहिए, पचमती ना नाले आप व्रत कर रहे हैं आरती कैसे करना चाहिए, उसका भी नियम आपको ज्ञात करना चाहिए। आज लिए थाली में जला लिए, मालूम पड़े हुई दिए से आरती कर दी ना, अगर वो दिए से आरती उतर गई है तो तुम्हारे वो व्रत तुम्हारा उस दिन का मान माने उस आरती को हमें समझना, इसलिए उसका नाम ही पांच दिन की कथा को जो 19 मार्च से 23 मार्च तक चलेगी उसको रेवाड़ी में कथा हरियाणा में उसका नाम ही हमने आरती कितनी बजे कथा 1 बजे से 4 बजे तक की।